आप सभी को सबसे पहले मेरी प्यार भरी नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं अपने किचन की दीवारों की लिपाई कर रही हूँ। मेरे किचन की दीवारें जो है बहुत काली गंदी गंदी हो गई है। हम आग बहुत ज़्यादा जलाते हैं तो हमारी लकड़ियाँ भी बहुत धुआंदार होती है। इसी की वजह से किचन में जल्दी लिपाई करने को हो जाती है। ऊपर नीचे तो मैं पोचा रोज़ लगाती हूँ। तो यहाँ पे मिट्टी घोली है मैंने। ये मिट्टी जो है बाद में जो है सफ़ेद सफ़ेद कलर देगी अपना किचन में। तो इस मिट्टी को मैंने अच्छी तरह से घोल लिया है, घोलना है। उसके बाद मैंने किचन में जाकर पूरे किचन को खाली करना है। ये देखिए जी, मेरे किचन की दीवारें अभी बहुत गंदी है। ऊपर नीचे तो मैं रोज़ सफाई करती हूँ, ऊपर टाइम चाहिए, पूरा दिन लग जाता है। पूरा सामान जो है ये बाहर निकालना पड़ता है सारा। फिर उसके बाद पूरे किचन को ऊपर से झाड़ू से भी साफ़ करना पड़ता है, तब जाके दीवारों की लिपाई करनी पड़ती है। अभी मैं और मेरे बच्चे जो है सारा सामान बाहर निकाल रहे हैं। हमने सबसे पहले तो अपने पूरे किचन को खाली करना है। खाली करने के बाद अच्छी तरह से साफ़ सफाई होती है, नहीं तो सारा मैल गंदगी जो होती है किचन की फिर इन बर्तनों के ऊपर पड़ जाती है, तो बर्तन भी सारे धोने को हो जाते हैं, तो काम जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अभी हमने ये सारे किचन में जितना भी सामान है ये सारा हॉल में रखना है बाहर। तो अभी हम तीनों जो है लगे हुए हैं बाहर सामान उठाने में। उसके बाद सारा किचन खाली हो जाएगा, फिर सफाई करना जो है लिपाई करना अच्छा होगा। ऊपर से झाड़ू से सबसे पहले मैंने जो है झाड़ू लगानी है दीवारों के ऊपर से। तो ऊपर से भी धुएं से जो लकड़ियां जलती है, धुएं से जो पड़ता है काला काला वो भी निकलता है, तो बर्तनों के ऊपर गिरता है। इसीलिए सारे बर्तन बाहर रखने हैं। ये सारे बर्तन देखिए जी बाहर रख दिए हैं। तो हम सभी जुट गए हैं इस काम में। किचन जब हम पूरा सेट करते हैं तो इतना सामान नज़र नहीं आता है जितना सामान बाहर हॉल में रख के नज़र आ रहा है। मैं भी देख के हैरान हुई थी कि ये सब सामान इतना अंदर कहाँ था। जब मैंने पूरा बाहर रखा तो किचन में सेटिंग करके पता ही नहीं लगता है कि सामान कहाँ कहाँ रखा है। तो अब बाहर देखना जी, बाहर दिखाऊंगी मैं आपको। ये देखिए जी, मेरा पूरा किचन जो है खाली हो गया है। किचन भी काफ़ी बड़ा है, पूरे दो कमरे बनते हैं इसमें। तभी तो मैं जल्दी लिपाई नहीं करती हूँ क्योंकि इतने बड़े किचन में अकेले जल्दी जल्दी थक लगती है। ये देखिए जी, पूरा हॉल जो है मेरा बाहर भर गया है। मैं हैरान हो गई हूँ कि इतना सामान ये किचन में छुपा के कहाँ रखा था। जब इसकी सेटिंग हो जाती है तब पता ही नहीं चलता है कि ये सारा सामान जो है किचन में ही था। ये था, ये कुर्सियाँ भी थी, और ये पीछे और है ये वाला, ये भी किचन में ही था। अभी भी इतना सामान बाहर निकालने के बाद भी किचन में जो है दो संदूक है, एक बेड है। तो अभी भी मतलब किचन हमारा दो कमरों का है, इसीलिए इतना सामान लग जाता है। इसीलिए मैं लिपाई जल्दी नहीं करती हूँ। ये देखिए, अभी पूरा किचन खाली हो गया है। अभी भी दो संदूक यहाँ पर, एक पलंग है यहाँ पर, तो इनको नहीं निकालूंगी मैं। ये भारी होते हैं क्योंकि इनके ऊपर अगर कूड़ा पड़ भी गया तो मैं बाद में इनको साफ़ कर दूंगी। अब मैं पूरी अपनी तैयारी कर लेती हूँ और झाड़ू लेके जो है ऊपर से मैंने पूरा, पहले तो पूरी गंदगी ऊपर से झाड़ू से निकालनी है। तो ऊपर से जो मैंने झाड़ू लगा के जो धुएंधार काला काला कूड़ा निकाला है, पूरे किचन में झाड़ू लगा के
और ये देखिए ये नीचे जो काला काला दिख रहा है ये पूरा ऊपर से ही निकला है। अब मुझे नीचे ये पूरा अच्छी तरह से कोने कोने से झाड़ू लगा के साफ़ करना है, उसके बाद ही मुझे लिपाई शुरू करनी है, क्योंकि कूड़े पर लिपाई अच्छी नहीं लगती है। तो कूड़ा साफ़ कर लिया तो लिपाई भी अच्छी होती है। अब पूरी सफाई, साफ़ सफाई, झाड़ू वाली सफाई तो पूरी हो गई है, कोने कोने से कूड़ा निकाल दिया है, ऊपर से भी निकाल दिया है। अब मैंने मिट्टी जो घोली थी वो मिट्टी ले ली है और दीवारों पे लगाना स्टार्ट कर दिया है। अब मैं पूरी दीवारों पे ये पोचा लगाऊंगी तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा, 2 घंटे लग सकते हैं, थकान भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। जहाँ जहाँ पे ये मिट्टी लग गई है वहाँ पर जो है सफ़ेद सफ़ेद दिख रही है, जब ये सूख जाएगी तब बहुत अच्छा कलर देगी अपना, तो लिपाई करने के बाद बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो पुराने घरों की ऊंचाई बहुत कम होती थी, मगर ये भी हमारा पुराना ही घर है, पुश्तैनी घर है हमारा, मगर इसकी ऊंचाई जो है इस ज़माने के घरों की तरह है, क्योंकि नीचे मैंने प्लास्टिक का किल्टा रखा हुआ है, क्योंकि प्लास्टिक की जो कुर्सी थी उसके ऊपर चढ़कर भी मैं ऊपर नहीं पहुँच रही थी, तो नीचे मैंने प्लास्टिक की जो किल्टा होता है मैंने वही रखा था, उसी के ऊपर चढ़ने के बाद मैं ऊपर पोछा लगाने के लिए पहुँची थी। काफ़ी ऊंचाई है इसकी। तो वीडियो में वो किल्टा दिखाया ही नहीं है, क्योंकि उस टाइम मैं नहीं बना रही थी वीडियो, मेरा बेटा बना रहा था, तो उसने ध्यान ही नहीं दिया कि नीचे वो भी दिखाना था। मैं उसके ऊपर कभी चढ़ रही हूँ ऊपर, तो कभी नीचे उतर जा रही हूँ। अब मुझे पूरे किचन में सफाई करते करते मैं दरवाजे की तरफ पहुंच गई हूँ। ऊपर वाली लिपाई जो है थोड़ी थोड़ी बची है, मगर अभी नीचे भी बहुत ज़्यादा काम है। सबसे ज़रूरी और सबसे मेन बात मेरे किचन की ये है कि इसमें जो ये काला धब्बा दिखाई दे रहा है पानी का, बरसात के टाइम पे यहाँ पे जो है पानी आता है, पानी उतना ज़्यादा नहीं आता है, पर ये दीवार जो है गीली गीली रहती है, बरसात के टाइम में होता है हमारे किचन में। ये पीछे खेत के साथ चिपका हुआ घर है हमारा, इसीलिए पीछे जो है बरसात के टाइम में ऐसा होता है। मैंने काफ़ी घरों में देखा है कि ऐसा होता है, इसी वजह से ये हमारा किचन जो है ठंडा भी रहता है, गर्मियों के टाइम भी ठंडा ही रहता है, इसमें गर्मी नहीं होती है। मगर ये पानी का जो धब्बा है ये बहुत ही भद्दा दिखता है, ख़राब दिखता है, किचन की लिपाई भी करो तब भी ये काला ही दिखता है। तो लिपाई ऊपर की सारी हो गई है, अब मैं अपने चूल्हे की लिपाई कर लेती हूँ, और फिर मुझे जो है ग्रीन वाला ये कलर घोला है
ये वाला कलर करना है नीचे। मैंने जो है मिट्टी की लिपाई नीचे तक नहीं की है, क्योंकि नीचे तक ख़राब जैसी लगती है। मैंने ये डबल कॉम्बिनेशन बनाया है, इस ऐसे जो है बहुत अच्छा लगता है। अब मैंने गोबर भी घोल लिया है, ऊपर की दीवारों की लिपाई हो गई है सारी, तो नीचे जो है ग्रीन कलर मेरा बेटा कर रहा है और मैं भी गोबर की लिपाई करने लगी। नीचे जो है ये सफ़ेद सफ़ेद धब्बे जो है ऊपर से मिट्टी करने के पड़े हैं, मिट्टी की लिपाई की, तो नीचे पूरे घर में सफ़ेद धब्बे पड़ गए हैं, तो इसीलिए अब मुझे गोबर की लिपाई करनी है नीचे, तब जाके पूरा कम्प्लीट होगा। तो फाइनली मेरे किचन की लिपाई कंप्लीट हो गई है। दीवारें मेरी बहुत काली थी, मुझे काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं कब लिपाई करूं, क्योंकि मुझे गंदे घर में रहने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। बहुत बुरा लगता है, टाइम नहीं लगता है तब भी मुझे बुरा लगता है कुछ, तो जब मैं सफाई कर लेती हूँ फिर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो लिपाई हो गई है पूरे किचन की। अब मैं जो है मैंने सारे बर्तन आधे चमका के रख दिए हैं धो के। मुझे ये डब्बे जो है जो अलमारी में होते हैं ये भी धुएं से जो है थोड़े ख़राब हो गए हैं, ये मुझे सारे धो के अलमारी में रखने हैं। तो मैं आपको अपने पूरे किचन का फाइनल लुक लास्ट में दिखाती हूँ। इससे पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी ये लिपाई का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अब मेरे किचन का फाइनल लुक, मैं बाहर से अंदर की तरफ जा रही हूँ। यहाँ पे कोने में लाइट नहीं पड़ती है क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है किचन, तो लाइट जो है एक तरफ है, इस साइड जो है थोड़ा अंधेरा रहता है। तो यहाँ पे भी हमने सामान रखा हुआ है और सारा सामान जो मैंने हॉल में दिखाया था इतना सारा सामान वो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है, पर अभी नज़र नहीं आ रहा है। ये भी एक ट्रिक होती है कि सामान को अच्छी तरह से सेट करो तो वो अच्छे से दिखता है, उल्ट फल्ट नहीं दिखता है। अब मेरा किचन भी बहुत अच्छा हो गया है जी, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे खुद को साफ़ करके। पूरे बर्तन भी मैंने सेट कर दिए हैं, पूरे किचन की लिपाई ऊपर से लेकर नीचे तक साफ सफाई हो गई है। मेरी दीवारें जो पहले काली काली दिखती थी अब अच्छी हो गई है, कोने कोने से साफ सफाई हो गई है, तो आज बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मिट्टी के घर हैं, उतने ज़्यादा सफ़ेद तो नहीं लगते हैं, पर चलो सफाई करने के बाद बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो काफ़ी अच्छे लगते हैं मिट्टी के घर भी, क्योंकि उन्हें सजाने का मुझे बहुत शौक़ है। तो मैंने नीचे ये गलीचा बिछा दिया है,
नीचे जो है बैठने का भी मतलब अच्छा लगता है, कुछ साफ सफाई करके अच्छा बिछा दो तो बहुत अच्छा लगता है बैठने में। तो जी यही था मेरे किचन का फाइनल लुक, सफाई करके बहुत अच्छा बन गया है जी आज। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हैं तो ख्याल रखिए आप सब अपना और अपने परिवार का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।